दोस्तों बहुत ही रेयर प्रिंटर यानी कि रिको SP111 मॉडल अगर आपके पास है एंड प्रिंटिंग के टाइम कुछ इस टाइप की ब्लैक शेड्स आउटपुट निकल रहा है, देन इस प्रॉब्लम को आप घर पे ही खुद से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। दोस्तों ये जो ब्लैक शेड्स आ रहा है इसे क्लियर करने के लिए हमें कार्टेज को निकालना पड़ेगा एंड देन इसे करना है डिसमेंटल। इसके लिए हमें हेल्प चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर का। बोथ साइड में टोटल 4 स्क्रूज को निकालना है। धीरे से साइड कवर को खोल लेना है। कार्टिज दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। ड्राम को धीरे से स्लाइड करके अलग करना है। आप ड्राम के ऊपर देख सकते हो क्लियरली विजिबल है ब्लैक शेड्स एंड यही मेन रीजन है ब्लैक शेड्स के साथ प्रिंट आउट आने का। अभी क्रिस्टल क्लियर प्रिंट आउट के लिए वाइपर ब्लेड को करना है क्लीन। ये जो मेटल रॉड आप देख सकते हो इसे अलग करने के लिए प्लास्टिक की इस क्लिप को करना है अलग। एंड इससे आसानी से रॉड सेपरेट हो जाएगा। फाइनली हमें एक्सेस मिल गया है वाइपर ब्लेड का एंड इसे भी निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर की मदद लेना पड़ेगा। दो स्क्रूज को निकालने के बाद वाइपर ब्लेड आसानी से अलग हो जाएगा। दोस्तों एक्चुअली बहुत दिन तक यूज ना करने से या फिर वेदर में मॉइस्चर होने की वजह से कार्बन पार्टिकल्स वाइपर ब्लेड के ऊपर स्टिकी होके जमा हो जाता है एंड इसी रीजन से ये वाइपर ब्लेड ड्राम को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है। फॉर दैट रीजन हमें प्रिंट आउट पेपर में ब्लैक शेड्स देखने को मिलता है। अभी ये जितने भी सारे स्टिकी कार्बन पार्टिकल्स है इसे क्लीन करने से ही प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व एंड इसे क्लीन करने के लिए हमें हेल्प लेना है टिश्यू पेपर और थोड़ा सा एल्कोहल का। आप चाहो तो सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हो। टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा सैनिटाइजर या फिर अल्कोहल स्प्रे करने के बाद वाइपर ब्लेड को क्लीन करना हो जाता है बहुत ही आसान। ये टोटल प्रोसेस को अगर आप खुद से करते हो देन 10 से 15 मिनट आपको इन्वेस्ट करना होता है एंड फाइनली जैसा कि आप जान चुके हो इसे हमें अभी असेंबल करना है।
वाइपर ब्लेड को इंस्टॉल करने के बाद दोनों साइड के पैनल को करना है इंस्टॉल, लेकिन ध्यान देना है ये जो स्प्रिंग है ये कहीं पे उछल भी सकता है, सो बंद कमरे में इसे इंस्टॉल करना होता है रिकमेंडेड। फाइनली टोटल कार्टिज को असेंबल करने के बाद इसे हम करेंगे प्रिंटर में इंसर्ट एंड सेम पेज का प्रिंट आउट लेके हम इसका फाइनल आउटपुट देखेंगे। पहले का प्रिंटआउट एंड अभी का प्रिंटआउट दोनों का डिफरेंशिएट करके ये क्लियरली विजिबल है कि ब्लैक शेड्स टोटली गायब हो चुका है एंड हमें मिल रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रिंटआउट। सो दोस्तों, रिको प्रिंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूट्यूबियन डेज़।